नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2020 और 14 अप्रैल 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो क्वेश्चन रखे हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के किस जिला में कोरोना जांच केंद्र का राज्य का 5वां केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये मुजफ्फरपुर जिला में राज्य का 5वां कोरोना जांच केंद्र खोला गया है और ये उत्तर बिहार का दूसरा है तथा राज्य का 5वां कोरोना जांच केंद्र है। और दोस्तों, मुजफ्फरपुर के SKMCH में खोला गया है कोरोना टेस्टिंग सेंटर। और SKMCH जो है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है इसका पूरा नाम हुआ, और ये उत्तर बिहार का दूसरा है और कोरोना जांच केंद्र। और ये उत्तर बिहार का पहला बना था दरभंगा में जो खोला गया था DMCH में, तो उत्तर बिहार का पहला कोरोना जाँच केंद्र था। और राज्य में अभी कुल 5 कोरोना जाँच केंद्र है, ठीक है। अब दोस्तों, नाम आया मुजफ्फरपुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है, तो देखिए पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है और सारण है, ठीक है। अब दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर और सारण जो देख रहे हैं इसके बीच में एक नदी बहती है बॉर्डर से, दोनों जिला के बॉर्डर से होते हुए, ठीक है। तो ये जो है ये गंडक नदी है जो बिहार में पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है नेपाल के तरफ से आके। चलिए इसको देखते हैं एक और भौगोलिक मैप में। तो इस मैप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए ये है मुजफ्फरपुर, ये है सारण और इसके बीच में देखिए एक नदी बह रही है और ये नदी है दोस्तों गंडक नदी जो बिहार में प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण से, जो कि नेपाल के तरफ से आके इन करती है, ठीक है। और दोस्तों, अब नाम है मुजफ्फरपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिला का स्थापना 1875 में हुआ है, ठीक है, और यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और तिरहुत प्रमंडल का जो दोस्तों मुख्यालय ये मुजफ्फरपुर जिला ही है, ठीक है। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है, और कौन कौन सा जिला है, तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। और लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भारत में GI टैग मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर का प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक और बागमती है। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मक्का, लीची, आम है। प्रमुख उद्योग चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट है। और बिहार की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर में ही दोस्तों 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी हुई थी, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने 1908 में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका था, और किंग्सफोर्ड जो थे उस समय मुजफ्फरपुर कोर्ट के जज थे, और इसी कारण खुद्दीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। और 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। तो 1856 में से पहले दोस्तों मुजफ्फरपुर जेल में जितने भी कैदी थे उन लोगों को पीतल का लोटा दिया जाता था पानी पीने के लिए, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनसे पीतल का लोटा वापस ले लिया गया और उसके बदले में उन लोगों को मिट्टी का लोटा दिया गया, ठीक है। तो जिस कारण मुजफ्फरपुर जेल के जो कैदी थे वो लोग विद्रोह कर दिए थे और उसी विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह पड़ा, ठीक है, जो कि 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है उषा किरण खान, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा दिया गया है यह सम्मान। उषा किरण खान को पद्मश्री तथा भामती उपन्यास मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, और पटना की रहने वाली है उषा किरण खान, और महादेवी वर्मा के बाद उषा किरण खान दूसरी महिला है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर को सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो देश का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और राज्य से बाहर फंसे 1,03,579 मजदूरों के खाते में राज्य सरकार द्वारा 10,35,79,000 रुपया भेजा गया है, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेट डे कब मनाया गया है, तो नेशनल पेट डे मनाया गया है आपको 11 अप्रैल के दिन, बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
और नेशनल पेट डे का शुरुआत 2006 में किया गया था और यह दिवस पालतू जानवरों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है भगवान सिंह, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इन्हें यह सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही दिया गया है और भगवान सिंह बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। अब दोस्तों नाम आया भागलपुर का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और यहाँ पे है आपका भागलपुर जिला। भागलपुर जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? देखिए कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, खगड़िया है, मुंगेर है और बांका है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से भागलपुर और कटिहार के बीच से ही गंगा नदी जो है बिहार से निकलकर और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब दोस्तों नाम आया भागलपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों भागलपुर जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है, ठीक है, और भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर में ही है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत दो जिला आता है, भागलपुर और बांका। भागलपुर के जरदालू आम तथा कतरनी चावल को GI टैग मिला हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, जिसका स्थापना 1991 में हुआ है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है और भागलपुर तसर रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगांव से जो वेनसांग जो कि चीनी यात्री थे ताम्रलिप्ति की यात्रा प्रारंभ किए थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे जो कि पाल वंश के थे। और 1855 में सिद्धू कानू और चांद भैरव इन चार भाइयों ने मिलकर भागलपुर में संथाल विद्रोह किया था, ठीक है। और 1855-56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा की थी और भागलपुर राजमहल को दमन एकोह के नाम से भी जाना जाता था। और दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 9 और 10 अप्रैल 1909 को हुआ था, ये भागलपुर में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में बिहार को देश में मिला है नौवां स्थान पे है बिहार इस ऐप को डाउनलोड करने में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आरोग्य सेतु ऐप द्वारा COVID-19 से जुड़े तमाम जानकारियां प्राप्त की जा सकती है और अभी तक बिहार में 1,60,000 तथा देश में 2.28 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। सिंगापुर और साउथ कोरिया से प्राप्त अनुभव के आधार पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 9वीं व 10वीं का सिलेबस समय पर खत्म करने के लिए किस TV चैनल पर वीडियो क्लास शुरू किया जाएगा? तो 9वीं और 10वीं 9th और 10th के सिलेबस को समय पे खत्म करने के लिए अब वीडियो क्लास चालू किया जा रहा है दूरदर्शन पे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। वीडियो क्लास का समय प्रतिदिन 11 से सुबह 11 से 12 बजे तक रखा गया है और अभी तक 1 महीने तक यानी 30 वीडियो तैयार कर लिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत चलाया जाएगा यह स्मार्ट क्लास और किसी भी डाउट को अगर कोई भी विद्यार्थी वीडियो देखता है और किसी प्रकार का उसको सब्जेक्ट में डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए छात्र उन्नयन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्नयन ऐप पे अगर कोई भी क्वेरी रखता है छात्र तो उनको तुरंत वहां से जवाब मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल के दिन। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और यह दिन 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। और मैट्रिक था इंटर का रिजल्ट 2019 में पूरे देश में सबसे पहले प्रकाशित करने के कारण इनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है? तो उस कृषि विश्वविद्यालय का नाम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, ठीक है, और इसे सावर कृषि विश्वविद्यालय भी बोला जाता है। तो कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया ए और सी, ठीक है। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को ट्रेन से जोड़ा गया है?
और आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किस जिला में काला तथा नीला गेहूं का खेती किया गया है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन से हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर प्रतिदिन इस वीडियो का शाम में ऑडियो अपलोड किया जाता है, जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।